हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम लाइन इंटीग्रल का यूज करके फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल का यूज करके। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें एक इक्वेशन याद रखना पड़ता था जो कि था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये इक्वेशन का यूज करके हमने वर्क डन निकाला था लाइन इंटीग्रल का यूज करके। उसी तरीके से अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो हमें लाइन इंटीग्रल का एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई माइनस एन डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रेशन या बोल लो लाइन इंटीग्रेशन का यूज करके हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और फ्लक्स के केस में ये जो f की वैल्यू है, ये f की वैल्यू होती है एम आई प्लस एन जे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन याद रखने पर आप किसी भी फ्लक्स का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। इन शॉर्ट क्या याद रखोगे, फ्लक्स फाइंड करना है तो ये दो इक्वेशन याद रखना। ये इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, फ्लक्स का वैल्यू, सपोज इसको बोल देते हैं फाई, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स का आंसर हमें मिल जाएगा। और एफ का वैल्यू क्या होगा, एम आई प्लस एन जे। अच्छा, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो फाइंड द फ्लक्स ऑफ एफ एक्स आई प्लस वाई जे अक्रॉस द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू वन इन एक्स वाई प्लेन। यहां पे पूछा क्या है, यहां पे हमें फ्लक्स ढूंढना है, यानी ये फाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फाइ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई माइनस एन डी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें फाइ का यानी कि फ्लक्स का आंसर फाइंड करना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, एक तो एम की वैल्यू चाहिएगी और एक एन की वैल्यू भी चाहिएगी। ठीक है, अच्छा, अब फोर्स ये एफ जो है उसका इक्वेशन कुछ ऐसा है, एफ इज इक्वल्स टू एम आई प्लस एन जे। ये इक्वेशन जो है और ये इक्वेशन है कुछ कुछ सेम लग रहे हैं, तो ये इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर कराएंगे। कौन सा दिया गया इक्वेशन है, एक्स आई प्लस वाई जे। अगर ये दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कराया तो हमें मिलेगी m की वैल्यू किसके बराबर होगी, m की वैल्यू x के बराबर, और n की वैल्यू किसके बराबर होगी, n की वैल्यू y के बराबर होगी। ठीक है, तो m और n की वैल्यू रख देते हैं। तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m की वैल्यू कितनी हमने ढूंढी, x, सो x डी वाई और माइनस n की वैल्यू y डी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब डिसाइड करते हैं इसकी लिमिट। तो लिमिट के लिए क्या देखेंगे हम, कौन सा कर्व दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है इलिप्स, और इलिप्स कहां से कहां तक होता है, तो हमें पता है माइनस पाई से लेके पाई तक होता है। तो यहां पे लिख लेते हैं लोअर लिमिट माइनस पाई, अपर लिमिट पाई। सर्कल होता तो जीरो टू टू पाई कर देते। ठीक है, तो इलिप्स की लिमिट पता है माइनस पाई टू पाई, तो लिख दी ये भी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिया गया कर्व कौन सा है, इलिप्स है, तो इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने देखा था, अगर याद हो तो, वो कौन सा था, x इज इक्वल्स टू a cos t था। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू b sin t था। ठीक है, a और b क्या होते थे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, तो अब यहां पे a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो a और b की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए हमें पता है एलिप्स का इक्वेशन जो कि दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। दिया हुआ इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर बाय नाइन इज इक्वल टू वन है। हमें चाहिए क्या, a और b की वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मिलेगा। सो ए का वैल्यू मिल गया टू। उसी तरीके से ये जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू नाइन के बराबर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन मिला, तो बी बराबर कितना मिल गया, थ्री मिल गया। अब ये ए और बी की वैल्यू यहां पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कितना है, टू कॉस टी, और वाई की वैल्यू, बी का वैल्यू थ्री साइन
ठीक है, x और y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब दूसरी कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, dy और dx की भी तो वैल्यू चाहिए। अगर dx की वैल्यू चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे, ये x जो है उसे t से डिफरेंशिएट करा देंगे, क्यों, यहां पे t है इसलिए, तो हमें मिल जाएगा dx। उसी तरीके से ये जो y की वैल्यू है उसे हम विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करा देंगे तो हमें dy मिल जाएगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे कैसे, dt से कराना है, t विद रिस्पेक्ट टू t, यहां पे t है तो d by dt of x is equals to, यहां भी t से d by dt of, ये वाली टर्म कौन सी है, 2 cos t। ठीक है, उसी तरीके से इसे भी डिफरेंशिएट करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्या लिखेंगे तो d by dt of y is equals to d by dt of 3 sin t। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब dx by dt तो लिख दिया as it is, अब इसका with respect to t differentiate करेंगे, 2 तो constant है, cos t का क्या हो जाएगा, minus sin t, तो ये sin t लिख लिया, minus sin इधर लगा दिया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो dx का value, so dx is equals to क्या हो जाएगा, minus 2 sin t, और ये dt ये साइड इधर ले लेंगे, तो हमें dx का भी वैल्यू मिल चुका है। अच्छा, उसी तरीके से dy का वैल्यू ढूंढते हैं, तो dy का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, वही फॉर्मूला यहां पे है dy, तो dy by dt is equals to with respect to t 3 constant, sin t का क्या हो जाएगा cos t, चाहिए dy, so dy is equals to 3 cos t, और dt को वो साइड ले जाएंगे, so ये dt, तो dy की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो अब ये जो चार वैल्यू है, x की, y की, dx की, dy की, ये इसमें रख देंगे तो हमें फ्लक्स का आंसर मिल जाएगा, कैसे, pi is equals to integration of minus pi to pi, x की वैल्यू कहां रखी है हमने, ये रही 2 cos t, तो लिख लेते हैं 2 cos t, dy की वैल्यू कहां पे है, ये रही 3 cos t, 3 cos t, और बचा क्या, साथ में dt, तो ये dt, फिर कौन सी साइन है, माइनस साइन है, फिर क्या है, y की वैल्यू है, y कहां है, ये रहा, तो ये है 3 sin t, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, dx, dx कितना है, माइनस 2 sin t, और साथ में क्या है, dt। अच्छा, so phi is equals to integration of minus pi to pi, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, और ये cos square t हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 sin square t, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव को बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 sin square t, और बचा क्या है, ये dt, और ये dt तो कॉमन निकाल लिया, dt dt कॉमन निकाल लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों का dt कॉमन आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, so phi is equals to integration of minus pi to pi, अब क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है उसमें से 6 कॉमन निकाल दे, तो 6 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, cos square t plus sin square t, और साथ में dt, so phi is equals to integration of minus pi to pi 6 cos square t plus sin square t, sin square theta plus cos square theta 1 के बराबर, तो ये 1 हो गया, ये हो गया dt, so phi is equals to 6 constant है बाहर निकाल लो, minus pi to pi अंदर क्या बचा, 1 dt। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, so phi is equals to 6, 1 का integration क्या होता है with respect to t, तो 1 का होता है t सिर्फ, जैसे कि 1 dx तो x होगा, तो 1 dt equals to t, लिमिट रख देते हैं माइनस पाई से लेके पाई, सो phi is equals to 6, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t की जगह पाई माइनस लोअर लिमिट t की जगह माइनस पाई। ठीक है, सो phi is equals to 6, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस माइनस प्लस, सो phi is equals to क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई, so phi is equals to 6 to the 12 pi, तो ये हमें मिल चुका है आंसर, किसका, फ्लक्स का, किसकी हेल्प से, लाइन इंटीग्रल की हेल्प से। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना फ्लक्स ढूंढने के, तो इस वीडियो में बस इतना ही, so till then read hard work hard, thank you very much।